भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। ए भाई छोड़ दे नहीं तो मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और पबजी मोबाइल की नई वीडियो में। और आज हम लोग आए हैं रोजुक में, और रोजुक में एक बोट मारने के बाद में मुझे एक एम्पर और एक एकेएम मिल जाती है। और यहाँ पे हमारे अलावा में सिर्फ एक ही स्क्वाड उतरी, और अब इसके दो बंदे नोक हैं, तो इसलिए मैं सीधा रस करता हूँ। और जैसे ही मैं रस करता हूँ तो इसका तीसरा बंदा आता है फरिश्ता बनकर इन दोनों को रिवाइव करने के लिए। तो अब मैं उस फरिश्ते को भी नोक कर देता हूँ, और अब इस फरिश्ते को नॉक करने के बाद में इसके तीन बंदे नॉक हैं और सिर्फ एक ही बंदा जिंदा है, जिसको मैं आसानी से मार देता हूँ। और इसके बाद में मैं आ जाता हूँ सीधा कोचिंग की में, और कोचिंग की मारने के बाद में मुझे एक बंदा दिखता है जिसको कोई और मार देता है, क्योंकि मेरी सारी गोलियाँ जो है दीवार में लग जाती है। और अब मैं उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई और आ जाता है, लेकिन ये बेचारे को समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब इसके बाद में इसका दूसरा बंदा भी आ जाता है जो कि डायरेक्ट किल हो जाता है। अब हमारे अलावा यहाँ पे एक ही स्क्वाड है, और अब मैं एक बोट को मारता हूँ, लेकिन उस बोट को भी कोई और मार देता है। और जैसे ही मैं उस बंदे को मारता हूँ तो मेरी गन लोड पे आ जाती है और वो बंदा बच जाता है। लेकिन अब मैं इसको उसके घर में घुस के मारता हूँ, और अब इस बंदे को नॉक करने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा इरीटेट करूँगा, क्योंकि इसने मेरा एक बोट का किल चुराया है। लेकिन इतना ज़्यादा इरिटेट करने के बावजूद भी ये बंदा मासूम बच्चों की तरह चुपचाप बैठा रहता है। और इसके बाद में इसका बंदा इसको बचाने के लिए आ जाता है, जिसको मैं आसानी से मार देता हूँ। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ सीधा पोचिंकी के चर्च पे, जहाँ पे एक बंदा ओपन में कैंप कर रहा होता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ये अकेला नहीं था, इसके अलावा मैं एक बंदा इस वाले घर में भी है जो कि प्रोफेशनली कैंप कर रहा है। और इसे भी मैं अब आसानी से मार देता हूँ। और अब इस बंदे को मारने के बाद में मैं चला जाता हूँ सीधा स्कूल अपार्टमेंट्स की तरफ में, जहाँ पे मैं ड्रॉप रूट रहा होता हूँ। वहीं पर मुझे एक गाड़ी आती हुई दिखती है, लेकिन अब वो गाड़ी हमें देख के भाग रही है। और जैसे ही मैं उस गाड़ी की तरफ में जाता हूँ तो वे दो बंदे होते हैं, दो से तीन बंदे, उनको कि मैं खूब डैमेज करता हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी नॉक नहीं होता है। और अब हम लोग उनसे दूर से फाइट लेंगे, क्योंकि कोरोना टाइम है। और अब कोई स्कूल अपार्टमेंट से उनमें से एक को नॉक कर देता है, तो इसलिए मैं एक पहले किल चुराऊँगा। और अब उसका एक बंदा और है, जिसको कि अब मैं क्लोज फाइट में लूँगा, और अब मैं इसको भी नॉक कर देता हूँ। लेकिन ये बंदा भी सिर्फ नॉक ही हुआ है, किल नहीं हुआ है। तो हमें पता चलता है कि इनका एक बंदा और है यहीं पर ही, तो इसलिए अब हम वापस ही गाड़ी घुमाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से गाड़ी लाते हैं तो इसका तीसरा बंदा स्मोक में से जा रहा होता है, जो कि मेरे स्प्रे की चपेट में आ जाता है। और जैसे ही मैं इन तीनों को मारता हूँ तो एक और गाड़ी आ जाती है यहाँ पर। उसकी गाड़ी की स्क्रीन देख के मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है, और उनमें से एक बंदा मेरी गाड़ी का एक टायर फोड़ देता है। तो अब हम इसी कंपाउंड में होल्ड कर लेते हैं। तो अब जैसे ही हम कंपाउंड में होल्ड करते हैं तो उनका एक बंदा क्लोजिंग कर लेता है और एक बंदा दूर से ही फायर ले रहा होता है। तो जो बंदा क्लोजिंग कर चुका है हम उसको हेलो बोलते हैं, और जो दूर वाला बंदा है वो मोर्टल का फैन बनने की कोशिश करता है। और जैसे ही मैं यहाँ से पोजीशन चेंज करने की सोचता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक ही कैंप पर लेटा हुआ मिलता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इन लोगों को मोटिवेशन मिलता कहाँ से कैंप करने का। लेकिन तभी हम लोग उसको मारने के बाद में आ जाते हैं दूर वाले बंदे पर, जिसको कि मैं आसानी से मार देता हूँ। उसके बाद में हम जोन में जा ही रहे होते हैं तो पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है, और वो हमसे गाड़ी टू गाड़ी फाइट लेती है। लेकिन उनमें से मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और उनकी गाड़ी भी डैमेज कर देता हूँ। तो अब हम उनकी तरफ में दोबारा से जाएंगे, लेकिन अभी ये जो बंदे हैं फैल चुके हैं। और अब जो उसका दूसरा बंदा वो मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब कर देता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से भागने में ज़्यादा भलाई समझते हैं। लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं, और हीलिंग करने के बाद में उनको फिर से छेड़ेंगे।
और अब हीलिंग करने के बाद में मैं धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी क्लोजिंग करता हूँ और अपना एक नेट बर्बाद करता हूँ, क्या पता गलती से या तुक्केबाजी में लग ही जाए, लेकिन वो नेट बर्बाद ही होता है। अब मैं इनके बहुत ज़्यादा क्लोजिंग कर चुका हूँ तो मैं सामने स्मोक में एक नेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उनका एक बंदा मुझे दिख जाता है और मैं उसको M4 से नॉक कर देता हूँ। और अब मैं दोबारा से स्मोक में नेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका दूसरा बंदा भी स्मोक में से बाहर निकल आता है और उसको भी अब मैं M4 से ख़त्म कर देता हूँ और इनकी पूरी स्क्वाड ख़त्म हो जाती है। और अब एक आखिरी स्क्वाड बची हुई है जो कि मुझे दिख जाती है, लेकिन ये चारों के चारों चारों दिशाओं में फैले हुए हैं और ज़मीन के अंदर समाये हुए हैं। तो अब इसलिए हम इन सभी से थोड़ा दूरी से फाइट लेंगे और एक दो बंदों को नॉक करने के बाद रश करेंगे। और इतने में ही मुझे उनका एक बंदा दिख जाता है जिसको कि मैं M4 से नॉक कर देता हूँ, और जो उसका दूसरा बंदा है वो भी वहीं पे गिली पहन के भाग रहा होता है, तो मैं उसको भी नॉक कर देता हूँ। और अब उसके दो बंदे नॉक हैं तो अब हम उन पे सीधा रश करेंगे। और उसका जो तीसरा बंदा है वो यहीं पे हमें मिल जाता है, लेकिन इसे मारने के बाद में हमें पता चलता है ये किसी और ही टीम का था क्योंकि डायरेक्ट किल हो गया है। और अब हम इनके आखिरी बंदे को ढूंढते हैं जो कि हम पर फ्लैंक ले चुका है जहाँ पे हम लोग रुके थे। और जो इनका आखिरी टीममेट है वो भी हमें दिख जाता है जिसको कि हम लोग आसानी से मार देते हैं, और 24 किल के साथ में चिकन डिनर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। But that's all right.